भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के एक प्रतिनिधि मंडल ने स्टेशन रोड स्थित वाणिज्य कर कार्यालय जाकर डिप्टी कमिश्नर जीएसटी के माध्यम से एक पत्र देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेजा, जिसके माध्यम से कहा गया कि केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा जीएसटी को पीएमएलए के तहत डाल दिया गया, जिससे प्रवर्तन निदेशालय ईडी का सीधा दखल हो जाएगा, जिससे व्यापारियों का उत्पीड़न होगा। देश के प्रधानमंत्री से मांग करते हुए व्यापार मंडल ने कहा कि केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा अधिसूचना जारी कर जीएसटी को धन शोधन निवारण अधिनियम पीएमएलए के तहत डाल दिया गया, जिससे जीएसटी से जुड़े मामलों में अब प्रवर्तन निदेशालय ईडी का सीधा दखल हो जाएगा। इससे ईडी जीएसटी में पंजीकृत व्यापारियों पर कार्यवाही कर सकती है। इस कानून के लागू होने से भ्रष्टाचार बढ़ेगा व अधिकारियों द्वारा छोटे मध्यवर्गीय व्यापारियों का उत्पीड़न किया जाएगा। पहले से ही व्यापारियों को बर्बाद करने वाली जीएसटी की धाराएं बड़ी जटिल हैं। व्यापारियों ने मांग करते हुए कहा, जिस फर्म की 5 करोड़ से ऊपर बिक्री हो तथा कर चोरी 1 करोड़ से ऊपर हो, उनके खिलाफ ईडी की कार्यवाही की जाए, जिससे मध्यवर्गीय व्यापारी जो कि सीधा सीधा व्यापार कर रहे हैं उनका उत्पीड़न नहीं होगा और छोटे व्यापारियों में भय का माहौल पैदा नहीं होगा और ना ही वे भयभीत होगा, क्योंकि इस वक्त 80% छोटा एवं मध्यवर्गीय व्यापारी व्यापार कर रहा है और वह इस मंदी के दौर से गुजर रहा है। आज आपने ज्ञापन सौंपा है आयकर विभाग को, क्या कहेंगे? हमने जीएसटी विभाग को एक ज्ञापन सौंपा है जिसमें सरकार द्वारा पीएमएलए के अंतर्गत धन शोधन निवारण अधिनियम के अंतर्गत जो जीएसटी में लागू किया गया है, इसके अंतर्गत व्यापारियों का उत्पीड़न होगा और उसका भ्रष्टाचार फैलेगा, इंस्पेक्टर राज लागू होगा। इसके लिए हमने सरकार से मांग की है कि इसको 5 करोड़ से ऊपर के लोगों पर लागू किया जाए जिनकी बिक्री 5 करोड़ है, और जिसने कर चोरी की उम्मीद 1 करोड़ है उस पर लागू किया जाए। छोटा व्यापारी इस समय वैसे भी जीएसटी से मारा हुआ है, मंदी से मारा हुआ है, उसके खिलाफ, और वो 80% भारत का व्यापारी जो है वो इसी दायरे में आता है, तो इसलिए जो है भारत सरकार से मांग है कि इससे ऊपर के व्यापारियों पर अधिनियम लागू किया जाए ईडी, और ईडी छोटे व्यापारी पर लागू ना किया जाए। ये अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल चंदौसी। क्या मामला? आज अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल ने डिप्टी कमिश्नर महोदय को वाणिज्य कर विभाग यहाँ पर एक ज्ञापन सौंपा है। अभी केंद्र सार्वजनिक वित्त मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी की जिसमें धन शोधन अधिनियम के तहत ईडी को जीएसटी के मामले में दखल अंदाजी देने की इजाज़त दे दी गई। इससे जो है वो छोटा मध्यम वर्गीय व्यापारी, चूँकि आज हिंदुस्तान में 80% जो है वो छोटा मध्यम वर्गीय व्यापारी है, इस नियम के लागू होने से उनके ऊपर बहुत बड़ा असर पड़ेगा। चूँकि इस वक्त मंदी का दौर चल रहा है और व्यापारी खुद ही परेशान है, और इसके ऊपर जो है जीएसटी को जो जटिल कर रखा है, उसकी जो समस्याएँ हैं उससे ही व्यापारी अभी जूझ रहा है, और उसके ऊपर अब ये ईडी वाला मामला नया जो आया, इससे व्यापारियों की जो है वो कमर टूट जाएगी। व्यापार वैसे ही आजकल जो है वो चौपट है, व्यापारी चोर नहीं है, सरकार को बराबर राजस्व देता है। इसके बाद भी सरकार की बराबर सख्तियाँ जो व्यापारियों के ऊपर हो रही हैं उसके खिलाफ आज अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल ने प्रधानमंत्री जी से मांग की है कि इस नियम को जो है वो वापस ले लिया जाए। वो ज्ञापन दिया है, क्या कहेंगे? ज्ञापन आपने जो दिया है वो इस उद्देश्य से दिया है कि इसको उचित स्थान पर पहुंचा दिया जाए, तो उस क्रम में आपके ज्ञापन को जो है उचित प्लेटफॉर्म पर उचित माध्यम से पहुंचाने का प्रयास किया। ज्ञापन में क्या मांग की है इन लोगों ने? ज्ञापन में इन्होंने ये मांग की है कि अभी जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट लागू किया गया है उसके बारे में कुछ इनके अपने सुझाव या मत हैं कि वो इतने करोड़ से ऊपर किया जाए, इसके नीचे के उसको अलग करा जाए, वही सब उनके ज्ञापन में लिखी हुई हैं।